से चौथी बटालियन में नव आरक्षकों के सम्मान में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शामिल होकर परेड की सलामी ली। इस मौके पर गृह मंत्री ने नव आरक्षकों को मेडल देकर सम्मानित किया, साथ ही पुलिस सेवा में हर परिस्थिति में तटस्थ रहकर काम करने की बात का जिक्र किया। बता दें कि 9 महीने की बुनियादी प्रशिक्षण के बाद 197 नव आरक्षक आज पास आउट हुए। नव आरक्षक जो भर्ती हुए थे, जिनको 9 महीने का प्रशिक्षण दिया गया, आज प्रशिक्षण उनका समाप्त हुआ। उनका दीक्षांत प्रशिक्षण के बाद दीक्षांत परेड का आयोजन होता है जो आज किया गया। नव आरक्षक 9 माह तक यहाँ प्रशिक्षित हुए, अब वो मैदान में जाएंगे और जो प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त किए उस बातों को सामने रखकर, उसके अलग हटकर, जैसा कि मैंने उनको कहा कि अब आज से असली प्रशिक्षण आपका शुरू होगा। जी मैम, हम लोग करीब 9 मंथ का पासिंग आउट, 9 मंथ आफ्टर पीओपी हुआ हम लोगों का। सो हम लोग अच्छा फील कर रहे हैं और सभी जवान के लिए पीओपी उसका बोले तो एक यूनिक डे होता है, जिसके बाद वो अपने फील्ड पे जो भी सीखे हैं ट्रेनिंग के दौरान वो फील्ड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। पासिंग आउट परेड एक जवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग यहाँ ट्रेनिंग करके बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और यहाँ की स्टाफ लोग सभी बहुत अच्छे हैं। रायपुर में नेशनल सेमिनार का आयोजन